पीएमएलए मामले में 18 महीनों से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दे दी है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत मांगी थी। इस मामले में उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 50,000 रुपए के जमानत बांड और इतनी ही राशि के सिक्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दी गई है। उनके अधिवक्ता ने जमानत पर बोलते हुए अधिक जानकारी दी। सर, सत्येंद्र जैन की जो बेल याचिका थी उस पर कोर्ट ने आज क्या आदेश जारी किया है? सर, कि आज राउज एवेन्यू की कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन साहब को बेल दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि उनकी बहुत लंबी इंकार्सरेशन हो गई है 18 महीने की और ट्रायल अभी स्टार्ट हुआ नहीं है और इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने मनी सिसोदिया का जजमेंट को फॉलो किया है और ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस विच आर देयर इन आर्टिकल 21 वो प्राइमरी है और वो ट्रम्प करेंगी आर्टिकल 20 सेक्शन 45 की कंडीशंस को। देयरफॉर सत्येंद्र जैन जो है वो इंटाइटल्ड है बेल के और उन्हें बेल दे दी है 50,000 की सिक्योरिटी। कब तक बाहर आ सकते हैं सर सत्येंद्र जैन? सत्येंद्र जैन साहब का हमने श्योरिटी बॉन्ड दे दिए हैं तो आज ही मोस्ट लाइकली ही कम आउट। सर, यानी कोई स्पेसिफिक कंडीशन कोर्ट ने लगाई है बेल देते समय? जी, आई एम स्टिल टू सी द ऑर्डर इन डिटेल बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर कंडीशन व्हिच इज इंपोज्ड बिसाइड्स द रेगुलर कंडीशन व्हिच द कोर्ट एनीवेज इंपोज्ड। एक बार प्लीज, एक बार बोलिए सर। सत्येंद्र जी, आपका क्या रिएक्शन है? जैन साहब को आज बेल मिल गई है कोर्ट से, क्या? बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सब जुडिशरी, हमारी जितनी भी लीगल टीम है, जिस जो भी इस दुख की घड़ी में हमारे साथ रहे उनका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैम, करीब 2 साल के बाद मेल मिली है, ये पीरियड आपके लिए कितना टफ था, कितना डिफिकल्ट था? टफ तो था पर एक मन में विश्वास था क्योंकि मुझे मालूम है कि सत्येंद्र ने कभी भी अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया तो मैं डट के खड़ी हुई थी। मुझे कभी भी मुश्किल था पीरियड पर एक आत्मविश्वास था कि कभी कुछ गलत किया ही नहीं है तो ईश्वर अच्छा ही करे। मैम, कोर्ट में भी हमने देखा आपकी आंखों से आंसू, भावुक आप हो गए थे, भावुक हो गई थी आप, बेटी भी आपकी भावुक। समय ही ऐसा है कुछ ऐसे, हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और सबसे बड़ा दुख इसी बात का होता है कि एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति को इस तरीके से उन्होंने 2 साल तक जेल में रखा। मैम, घर आ जाएंगे आज रात में ही तो किस तरह से सेलिब्रेशन होगा, क्या तैयारियां होंगी? पहले तो मिलकर बातें करेंगे सेलिब्रेशन बारे में, कुछ स्पेशल खाने के लिए उनका पसंदीदा खाना। सत्येंद्र शाम को नहीं खाते हैं, कल सोच रहे हैं कढ़ी बनाएं, उनके बहुत पसंद है। मैम, पॉलिटिक्स में आने की वजह से कुछ हुआ है, आप चाहेंगे आगे पॉलिटिक्स में रहें? ये सत्येंद्र के लिए पॉलिटिक्स नहीं है, ये वो एक समाज सेवा के जज्बे के से आए, तो वो आज भी पॉलिटिशियन नहीं है, वो सिर्फ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। वो कहते हैं कि जो मुझे सोसाइटी ने दिया मेरी ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं सोसाइटी को वापस करूँ, तो वो आज भी पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक कुछ समाज सेवा के लिए आगे करने। बेसिकली अरविंद जी ने कहा कि उन्होंने अच्छे अस्पताल बनाए, स्वास्थ्य दिया, इसलिए उनको जेल में डाला गया, तो इस वजह से हुआ है। देखिए, मैं पॉलिटिक्स पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी पर हाँ, वो एक अपने जज्बे से लगे हुए हैं, वो मेरे ख्याल से वो उनकी यात्रा चलती रहेगी और हम सब पूरी फैमिली मेंबर्स उनके साथ हैं। मैम, श्रेया ने कहा कि दिवाली आप लोगों के लिए आज ही दिवाली हो गई है तो लगता है कितनी खुशी का माहौल है? ये इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकती, खुशी तो है। सर, आपकी बेटी कह रही है उनके लिए दिवाली आज ही है।